नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का हलवा। एक बहुत ही अलग तरीके से बनेगा। जैसे आपने गुरुद्वारे वगैरह में प्रसाद देखा है, प्रसाद मिलता है और बहुत ही दानेदार होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो उसी तरह से हम ये हलवा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये एक कटोरी दलिया लिया है, गेहूं का दलिया। इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। जितना बारीक आप कर सकते हैं उतना बारीक आप पीस लेना। चाहे आप जितना भी बारीक पीसें पर आटे जितना बारीक ये नहीं होगा, तो ये दड़दड़ा ही रहेगा। पर कोशिश कीजिएगा जितना बारीक पीस सकें पीस लेना। अब लिया है एक कटोरी घी, तो उसमें तीनों की मात्रा एक जैसी ही डलेगी बराबर। अब मैंने डाला है पिसा हुआ दलिया। बारीक पीस लेना, बार बार यही बोल रही हूँ, जितना बारीक पीस सकते हैं उतना बारीक पीस लेना। अब आप कहेंगे कि इतना बारीक पीसना है तो आटा ही क्यों ना ले लें, पर आटे में और इस तरह से बनाए गए हलवे में जो टेस्ट होगा उसमें काफ़ी डिफरेंट होगा। गुरुद्वारे वगैरह में आपने देखा होगा जो कड़ा प्रसाद मिलता है, काफ़ी दानेदार होता है, तो उसी तरह से ये बनेगा और इसका टेस्ट भी आटे के हलवे से बिल्कुल अलग होगा। अब इसको अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। अब देखिए ये अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो एक छोटी कटोरी मैंने, मतलब तीनों मात्रा बराबर लेनी है। आप चाहे छोटी कटोरी से बनाएं या आप मीडियम साइज़ की कटोरी से बनाएं, तो एक कटोरी चीनी, एक कटोरी गेहूं का आटा, या फिर जिस तरह से मैं बना रही हूँ एक कटोरी दलिया और एक कटोरी ही घी लेना है आपने। अब हमने चीनी डाल दी इसमें, उसके बाद ही हम डाल देंगे इसमें पानी। तो पानी इसमें डलेगा डबल। एक ही कटोरी का मेज़रमेंट लिया है तो उससे डबल, यानी दो कटोरी पानी आपने लेना है। और फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम। हिला देंगे, तो हिलाते हिलाते ही हमने इसको पकाना है, तो धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लग जाएगा। नॉर्मल जो हम आटे का हलवा बनाते हैं और इस तरह से जो हलवा बनाया जाता है, दोनों के टेस्ट में काफी फर्क होता है। और काफ़ी दानेदार बनता है ये। गुरुद्वारे का प्रसाद आपने देखा होगा कितने दानेदार होता है। अब इसको हिलाते रहेंगे और फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम। जब ये घी छोड़ने लगेगा तब समझ लीजिए कि हलवा हमारा बन गया है। अब देखिए हिलाते हिलाते काफ़ी गाढ़ा हो गया है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कितना दानेदार है। तो अभी हम थोड़ा इसको और चलाएंगे ताकि ये और अच्छी तरह से घी छोड़ दे। तो देखिए इसने पूरी तरह से, जो भी हमने घी डाला था वो ये हलवा घी छोड़ने लगा है। गैस को कर देंगे बंद और हलवा हमारा बनकर तैयार है। देख लीजिए पूरी तरह से इसने घी छोड़ दिया है। तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा।